महंगाई के विरोध में शिव सैनिकों ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान शिव सैनिकों ने कहा कि यदि शीघ्र ही महंगाई पर अंकुश नहीं लगाया गया तो शिव सैनिक जिलाधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। आसमान छूती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में शिव सैनिक कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर गरजे। इस दौरान शिव सैनिकों ने जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को भेजा। ज्ञापन के माध्यम से शिव सैनिकों ने आसमान छूती महंगाई पर तत्काल अंकुश लगाने की मांग की। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान शिवसेना के जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरैया ने कहा कि वर्तमान में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। रसोई गैस सिलेंडर 1000 पार हो गए हैं, पेट्रोल 100 रुपए पार हो गया है, सरसों का तेल 200 रुपए पार हो गया है। अधिकांश रोजमर्रा की वस्तुओं पर महंगाई चरम सीमा पर है। अधिकांश रोजमर्रा की वस्तुओं पर 30% तक की मूल्य वृद्धि कर दी गई है और बेतहाशा महंगाई से आम नागरिकों का जीना दुश्वार है। महंगाई और बेरोजगारी से जनता त्राही त्राही कर रही है। लोग महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी से आत्महत्या करने को विवश है। उन्होंने कहा कि शिव सैनिक महंगाई पर तत्काल अंकुश लगाने की मांग करते हैं। आज शिव सैनिकों ने महंगाई के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित ज्ञापन में महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग करती है। ज्ञात हो कि महंगाई चरम सीमा पर है, महंगाई से आम जनता त्राही त्राही कर रही है, पेट्रोल 100 पार कर गया है, रसोई गैस का सिलेंडर 1000 पार कर गया है, सरसों का तेल 200 पार कर गया है। महंगाई से आम जनता त्राही त्राही कर रही है और देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी से आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हो रही है। शिव सैनिक मांग करते हैं कि शीघ्र से शीघ्र महंगाई पर अंकुश लगाया जाए, अन्यथा शिव सैनिक अनिश्चितकालीन के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। लेडीजों के ऊपर सबसे ज़्यादा असर जो होता है, महंगाई हो या युद्ध हो, लेडीजों के ऊपर पड़ता है, महिलाओं के ऊपर पड़ता है। महिलाएं आर्थिक तंगी से गुजर रही हैं, बच्चों को नहीं पढ़ा पा रही हैं, रोज़मर्रा की जो उनके काम है वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं और घर में गृहस्थी आराम से नहीं चल पा रही है। दाल चावल आटा चीनी सभी के भाव महंगे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और महिलाएं सबसे ज़्यादा आत्महत्या जो कर रही हैं वो महिलाएं कर रही हैं और आत्महत्या करने को विवश भी हो रही हैं। ये सरकार पूरी तरह फेल्योर साबित हुई है। ये सरकार जुमलेबाजी, धोखेबाजी, आडंबर, पाखंडवाद, अंधविश्वास पर टिकी हुई है। तत्कालीन सरकार में जब भाजपा सरकार नहीं थी तो भाजपा सरकार ने ही नारा दिया था कि महंगाई डायन बन गई है। आज भाजपा की सरकार है तो भाजपा की सरकार में महंगाई डायन नहीं बल्कि महंगाई भौजाई बन गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि महंगाई पर तत्काल अंकुश नहीं लगाया गया तो शिव सैनिक जिला अधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने को बाध्य होंगे।